चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। समाज के बारे में बोला यार कोई नहीं बोला है। तुम मैं देखो मैं तो बोल दूंगा। स्थिति क्या है आज, क्यों हो रहा है? पहले से और अब तक की स्थिति में बहुत फर्क हो गया। जब से मिले थे 1978 के हैं श्रीमती इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, उन्होंने दिए थे तो उसके बावजूद बढ़िया जोत बो रहे थे अपने। 5-5, 6-6 फीट गड्ढे थे इसमें और 20-20 फीट चौड़े, वो हमने अपने सरों से मेहनत करके इनको इकट्ठा मतलब बढ़िया उपजाऊ बनाया और ठीक ठाक तरीके से बोवा रहे थे। उसके बाद अप्रैल के महीने में जो ये वर्तमान प्रधान है इन्होंने अचानक बोर्ड लगा दिया फसल में, कभी ये तुम्हारे खेत नहीं है। अब हमने कहा कभी खेत क्यों नहीं, जबकि हमने अपने मेहनत से इनको बनाया था। उसमें जाटो लोग हैं, वाल्मीकि हैं और ये तुम्हारे प्रजापत हैं और कश्यप हैं, दलितों के पास दलितों के लगभग 40 पट्टे हैं। बुजुर्गों से सुनते ही आ रहे हैं कि हमारे दादाजी थे वो भी केस लड़ते आए थे इस वाले, हमारे पिताजी ने भी केस लड़ा और स्थिति ये आ गई कि तीसरी पीढ़ी केस लड़ रही है इन्हीं पट्टों पर। उसके बाद जो पैदा अच्छी होने लगी, हम खुशहाल होने लगे, हमारे बच्चे जो हैं मतलब हम पढ़ने लगे लिखने लगे, तो इनको एक जेलसी हो गई, जलन हो गई कि भाई दलित समाज बहुत आगे निकल रहा है तो इनको रोका जाए। पहले क्या था, जागरूक नहीं थे लोग, पढ़े लिखे नहीं थे, इन्हें बहकाया उल्टे सीधे कागजों पर साइन कराए, जो कैसे भी कराए, इन्हें डराया धमकाया और इनको पट्टी छीनने का काम किया गया। हम गरीब आदमी हैं, पट्टे बोते आ रहे हैं, हमको धमकी दे दी नहीं बोल रहे ना बोल, तो हम क्या करें बताओ, विधवा बूढ़े सूढ़े अपना टाइम काट रहे इनके सहारे से, हमारा कोई कमाई का साधन नहीं, किस तरह हम अपना पेश पालन करें। और जो है ये पट्टे सन 1978 में हमको इंदिरा गांधी के ज़माने में दिए गए, जब से जो है हमने इनको जो है सही सलामत करा खोद पीट के, फिर इसमें जो है पैदा होने लगी तो जो है इन लोगों को दबंगों को कुछ एतराज़ सा हुआ, हम पर केस चला दिए। हमारे टाइम में तो कुछ परेशानी हुई नहीं, बराबर बोल रहे हैं। बीच में और दो बार प्रधान बने, एक प्रजापत बना एक राजपूत बना है, उन्होंने भी कोई परेशानी ना हुई, उन्हें भी जो तो इन बंटी बलराम को जो परेशानी हुई है, इनने पहले बुआ एक बार इन्हें जोते भी हमारे पट्टे, इनने बोने की यू करी, इनने बुआ। अब नू बुझो पंडित बरतान, तुम्हें इससे क्या ऐतराज है, जो ललितों के बच्चे हैं दलितों के, तुम्हें क्या एलर्जी है? कि किस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है? उत्पीड़न ये है कि जब हम उसमें गए थे एजेंट साहब के हैं, तो उन्होंने कहा कि पट्टे कैंसिल नहीं है, हमने हिस्ट्री दिखाया, मैंने कहा जी इसमें तो यथेस्थित है, देखो आप कि नहीं नहीं नहीं, और उसमें प्रशासन का भी वो मतलब जो सरकार का भी वो है दबाव, और प्रशासन तो जैसा सरकार करेगी ऐसा करेगी। जीत हमें मिली कमिश्नरी से, जीत हार होने के बाद भी हम इनको जब से जोत पे बोते आ रहे हैं, और अब से जो है 5-4 महीना पहले से ये बोर्ड लगा, दबंग व्यक्ति है प्रधान, और जो है वो अब जोत बोर्ड नहीं दे रहा है। बीजेपी का समर्थक है, बीजेपी के उससे जो है ये हो रहा, सुनवाई नहीं करते कोई भी। हमारी रणनीति है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं, अगर या तो ठीक है फिर हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन से नहीं माने तो सरकार के खिलाफ हम भूख हड़ताल बैठेंगे, मर मिटेंगे बिल्कुल। बच्चे की तरह सींचा है, जो छोटा बच्चा होता है उसको पालते हैं पलोसते हैं फिर उसकी शादी कर देते हैं, ये हाल या इनका है। भूख तो लगेगा।
क्या करेगा धान निकाले मैं निकलू हाँ तू निकाल सब निकालो धान निकाल पहला राइट इनका बनता है समझ रहे हो इन्होंने यदि अपनी कोशिश कर रहे हैं और किसी भी प्रयास से यदि इनको मिल जाता है तो कोई परेशानी है तुमको या मुझको इसमें मैं तो हल चलाने नहीं आ रहा भाई सैनिक स्कूल बन जाएगा तो भी बेहतर है यदि इनके पट्टे इनको मिल जाएंगे तो भी बेहतर है रुक जा।